बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे हैदराबादी हरी मिर्ची की खट्टी दाल बनाना बताएंगे। उसके लिए आपको इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। आपको 200 ग्राम तुअर दाल चाहिए, इमली वन बॉल इमली का खट्टा चाहिए, 2 टीस्पून नमक चाहिए, 1/2 टीस्पून हल्दी चाहिए, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, 4 से 5 लहसुन के पीसेस चाहिए, 5 to 6 टमाटे चाहिए, 1/2 बॉल ऑयल चाहिए, जीरा चाहिए और करी पत्ते चाहिए बघारने के लिए, हरा धनिया चाहिए, 7 to 8 हरी मिर्ची चाहिए। अब हमने प्रेशर कुकर ले लिया है दाल गलाने के लिए। अब हम उसमें धुली हुई दाल डाल देंगे। अब हम उसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और टमाटे डाल देंगे। हरी मिर्ची डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। अब हम उसमें 1 ग्लास वाटर ऐड कर लेंगे। 5 to 6 विजल के लिए दाल को पका लेंगे। अब हमने कुकर को स्टोव पर रख दिया है। हमें 5 to 6 विजल के लिए प्रेशर कुक कर लेना है। देख सकते हैं हमारी दाल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब आप उसको मैश कर लीजिए। अब आप उसमें नमक ऐड कर लीजिए और अच्छे से मैश कर लीजिए। देख सकते हैं हमारी दाल अच्छे से मैश हो चुकी है। अब हम उसमें 2 ग्लास वाटर ऐड कर लेंगे। अब हमें उसमें इमली का खट्टा ऐड कर लेना है। अब हमें उसमें करी लीव्स ऐड कर लेना है और खट्टा पके तक अच्छे से पका लेना है। हमने दाल बघारने के लिए एक पैन चढ़ा लिया है। अब आपको उसमें तेल डाल देना है। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम उसमें जीरा ऐड कर लेंगे। अब हमारा तेल ठंडा हो चुका है। अब हम उसमें लहसुन के टुकड़े ऐड करेंगे और करी लीव्स ऐड करेंगे। देख सकते हैं हमारी दाल अच्छे से पक रही है। अब आपको उसमें आपका बघार ऐड कर लेना है। अब हमारी दाल रेडी हो चुकी है। हम आपको डिश आउट कर कर बता देंगे। देख सकते हैं हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब हम आपको डिश आउट कर कर बताते हैं। देख सकते हैं हमने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी है। आप भी ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय।